सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। आप अपनी जिंदगी में बस सुकून ढूंढिए, क्योंकि इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती है। आज का पंचांग 4 जुलाई 2020, दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 11:33 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 11:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:03 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि, आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपके मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाएं। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते समय आप सावधान रहें। आपको अपने समूह से समर्थन मिल सकता है अगर आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे बढ़कर उनके सामने अपने विचार अभिव्यक्त करें। आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने काम को अपने साथियों में भी बांट दें। ध्यान रखें कि सिर्फ बात करते रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करें। आज अब कार्य क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ पद और गरिमा की भी वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए व्यापारिक अनुबंध करने का उपयुक्त समय है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहल सकारात्मक परिणाम लाएगी। आपके व्यवसायिक सोच समाज में आपको प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए मनचाहे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगी। ननिहाल पक्ष से लाभ की संभावना है। विदेश से सुखद समाचार प्राप्त होंगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके मन में प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। सावधानियां, आज आपको अपना व्यापार संभल कर करना होगा। आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, पैसे भी संभल कर निवेश करें। लव लाइफ की बात करें तो यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इनमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह से ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। करियर की बात करें तो आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक करियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यह आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये दिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। सेहत की बात करें तो
आज आराम करने का दिन है। अपने लिए कोई मसाज अपॉइंटमेंट ले या कोई तनाव भगाने वाली क्रिया करें। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन सोफे पर आराम फरमाएं। इसके स्थान पर आप सक्रिय रहकर स्वास्थ्य संबंधित भोजन या जिम उपकरण खरीद सकते हैं। आपको किसी से स्वास्थ्य संबंधित अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज आप बुजुर्गों को खाना खिलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।